तेलंगाना राष्ट्रीय समिति टीआरएस लीगल सेल का आज गन पार्क असेंबली हैदराबाद में जबरदस्त एहतजाज। जी मोहन राव एडवोकेट रुकने कानून साज कौंसल वहीद अहमद एडवोकेट रुकने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की मौजूदगी में के गोवर्धन एडवोकेट वाजिद अली खान एडवोकेट मोहम्मद मसीहुद्दीन मोहम्मद अब्दुल खलील मुमताज़ पाशा अब्दुल कबीर अब्दुल सलाम तिरुपति वर्मा के अलावा कई दूसरे एडवोकेट्स ने मंगल के रोज़ राज्यसभा में बाद के रिमार्क्स पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया, जबकि आंध्र प्रदेश की तकसीम का इस्तिस्ना लेते हुए तेलंगाना के शहदा की क़ुरबानियों और रियासत का दर्जा देने की तवील तहरीक को खराज तहसीन पेश करने पर मोदी ने माफ़ी मांगी। वहीद अहमद एडवोकेट ने कहा कि वज़ीर आज़म आपकी तेलंगाना के अवाम की कई दहाइयों की पुरजोर जद्दोजहद और कुर्बानियों की बार बार तौहीन करने पर आपकी सरासर तौहीन है। मैं वज़ीर आज़म के बेहुदा तबसरों की सख्त मजम्मत करता हूँ और मुतालबा करता हूँ कि वह तेलंगाना के अवाम से माफ़ी मांगे। वहीद अहमद एडवोकेट ने कहा कि कुछ लोग चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़्यादत में तेलंगाना में तरक्की को पिटने से खासिर है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। तेलंगाना राष्ट्र समिति के लीगल सेल की जानिब से आज गणपाल पर बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट रखा गया था, क्योंकि 8 तारीख के दिन राज्यसभा में हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने जो तेलंगाना पर अपनी कमेंट्स पास किया था, उस कमेंट के खिलाफ तेलंगाना आग से खेल रहा है। मैं ये समझूंगा नरेंद्र मोदी साहब से इस बात की गुजारिश करूंगा कि आपको नहीं मालूम तेलंगाना किस तरीके से हासिल हुआ, क्योंकि जो 58 साल जदोजहद का नतीजा है और ये जदोजहद पूरे तेलंगाना में तकरीबन 1200 नौजवानों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस तेलंगाना को हासिल किया। और इस रियासत के वजी अला चंद्रशेखर राव साहब ने भी अपने मरण भक्त का आगाज करते हुए अपनी जान की कुर्बानी लगाने के लिए तेलंगाना के लिए बैठ चुके हैं। ये स्ट्रगल के नतीजे में इस वक्त की सरकार ने छुपकर तेलंगाना अलग रियासत किया। मैं समझता हूँ उस वक्त अगर बीजेपी गवर्नमेंट भी होती तो केसीआर के आगे नाक अगर कर तेलंगाना दी। मैं समझूंगा कि नरेंद्र मोदी साहब से इस बात की ख्वाहिश करूंगा, आपने 4 करोड़ तेलंगाना वालों के जज्बात को तेज पहुँचाइए और उनके सेंटीमेंट से भिला है। आपने जो तेलंगाना और आंध्रा का जो बिल रखा गया था उस बिल की भी आपने पूरी तरीके से तेलंगाना की मदद नहीं की। आपने फंड के साथ भी तेलंगाना के साथ नाइंसाफी करे। अगर तेलंगाना के साथ आप नाइंसाफी कर रहे हैं तो तेलंगाना आवाम भी इस रियासत में बीजेपी को सबक सिखाकर बताएगी। और तेलंगाना हम ये चाहती है कि जब नरेंद्र मोदी को तेलंगाना की जरूरत नहीं है तो तेलंगाना में भी हमको बीजेपी की जरूरत नहीं है। मैं समझूंगा केसीआर साहब का जो स्ट्रगल है और केसीआर साहब ने जिस तरीके से तेलंगाना हासिल किया उस तरीके की जदोजहद या स्ट्रगल नरेंद्र मोदी साहब आपने कभी नहीं किया। सिर्फ आपको बंद बनाया हुआ वजीर आजम की कोशिश मिल चुकी है और आप जाकर बैठे हैं। मैं इस बात का मुतालबा करता हूँ आप आए। मैं तेलंगाना के बीजेपी के सदर बंडी संजय टी अरविंद जी किशन रेड्डी साहब उनकी आवाज़ें क्यों सूख गई, उनकी जबानें क्यों बंद हो गई? अगर आपने ज़रा सा भी ज़मीर है, अगर तेलंगाना की आवाम से आप मोहब्बत करते हैं, आप तेलंगाना आज़ाद रियासत के लिए आप अगर ये सोचते हैं कि हम जदोजहद की, तो आपके प्राइम मिनिस्टर से साफ कहिए कि तेलंगाना पर जो कमेंट्स दिए वो वापस लें और तेलंगाना आवाम से माफ़ी मांगे। नहीं तो ये सब आपके तमाम MPs को आने वाले इंतखाबात में तेलंगाना आवाम सबक सिखाएगी। और मैं इस बात का मुतालबा करता हूँ अगर आपके वज़ीर आज़म अगर माफ़ी ना मांगे, तेलंगाना के आवाम से अगर माजरत खाई ना करे, तो आप लोग रिज़ाइन करिए और बीजेपी छोड़कर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति में आइए, क्योंकि ये तेलंगाना की गद्दार जमात रही है बीजेपी, जिन्होंने इस कमेंट्स के साथ ये साबित कर दिया कि बीजेपी कभी तेलंगाना से मोहब्बत नहीं करती। मैं इस बात का मुतालबा करता हूँ मरकज़ की सरकार से, आप इस पर जल्द से जल्द या माफ़ी मांगिए।